एंटी करियो अंची शर्मा गई का सिक्स पैक मैन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं भाई 5:30 और अभी अपन कहां जा रहे हैं वो आगे चल के बताएंगे। सामने फ्लैश होने की वजह से मेरे को दिखाई नहीं। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। बने रहना वीडियो के एंड तक और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपको भी दिखाते हैं कि कहां जा रहे हैं और आज का स्पेशल व्लॉग क्यों होने वाला है। लेट्स गो। अपन चल रहे हैं अपनी ऑडी में। ऑडी का हॉर्न सुन लिया ना, लेकिन अभी हो रखा है अंधेरा। ओ यहाँ आ गया गंदा नाला की महक आ गई, सारी सांस के थ्रू फेफड़ों के भीतर जमा हो गई है। तो कहीं जाने का नहीं रहा बाबा, बने रहने का वीडियो में और हम अभी पहुंच जाएंगे। ए झंडा लेके जा रहे, जय बाबा की। 6:45 का टाइम हो चुका है और मैं अभी ऑडी से जा रहा हूँ। अपना विलोक होने वाला है आज का, मंडी में सब्जियों के भाव। नमस्कार जी, के भाव चल रही भिंडी बताओ सही एक बार। भिंडी तो बताओ किस भाव चल रही मंडी चल रही है भाई, 61 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो मंडी है आपको महंगी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मंडी में और फिलहाल यहां पे देख लो, मैं बता रहा था अपना व्लॉग स्पेशल होने वाला है और मैं लेकर आया हूं भिंडी, पहली भिंडी, मतलब पहले तोड़ की पहली भिंडी आज ही तोड़ के लाया हूं। अब ये देखता हूं ये भाव क्या मिलती है। ये भिंडी बोल रहे बाबा, भिंडी अच्छी नहीं, 50 रुपए किलो भिंडी बोल रहे बाबा, भिंडी कच्ची भिंडी, पहले तोड़ की भिंडी। आजा रे, आजा आजा आजा, तरबूज कहाँ खरीद रहा है ये भाई? तरबूज खरीद रहा है जो कांटे पे रख रहा है, तरबूज बिका है 15 रुपए किलो। आप क्या भाव खरीदते हैं? तो चलिए गाइस जी, इसको भिंडी बेचते हैं। अरे तो कोई बात भी हुई होगी, क्या बात होगी? तो गाइस जिसने भिंडी नहीं ली है, नेक्स्ट इन्होंने हमारी भिंडी ले ली है और हमारी भिंडी बिकी है। अभी पता करते हैं, ये कांटे पे तोड़ने के लिए जा रही है और ये हमारी भिंडी इन्होंने तोड़ ली है। चेक कर रहे हैं बाबूजी, कैसे भी चेक कर लो भिंडी मस्त। तो गाइस ये टेंट गुजरते हुए जा रहे हैं कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी भिंडी 60 रुपए किलो बिकेगी और आपने आज पहले तोड़ के भिंडी 65 रुपए किलो बेच दी, आपको कैसा लग रहा है? तो पंडित जी मजे आ गए हमें हमारी भिंडी बेच के, और पहली भिंडी थी। और अब जाके मैं करूंगा प्रैंक मम्मी और पापा के साथ। कर पाता हूँ या नहीं पता नहीं यार, थोड़ा सा अलग करने का विचार था, थोड़ा अलग करके दिखाना चाहता था अपनी ऑडियंस, अपनी यूट्यूब फैमिली को। अभी ये देख रहा हूँ क्या मैं कुछ अलग कर पा रहा हूँ या नहीं। तो गाइस मैं जो सब्जी बेच के आया हूँ वो आके बिकती है इन रेहड़ियों पे, लगती है यहाँ पे लगभग, फिर भी कल के भाव थी 80। तो गाइस आपने देखा भिंडी चल रही है 80 रुपए किलो मार्केट में और हम बेच के आए हैं 65 रुपए किलो। के भाव चल रहे हो लहसुन? हाँ 30 कुपाव 50 को आधी किलो भिंडी के भाव चल रही है 50 की आधा किलो, और किलो 90 की। ये नया रेट है जो कि पीछे 80 या 90 मेरे भाई 65 में मैं बेच के आया हूँ। गोपाल डर गो एकदम है, चमक गो गोपाल। या आंटी करियो आंटी शर्मा गई का। इधर हम खड़े हुए गोपाल जैस सिक्स पैक मैन।
जी मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ चुकी है सूरज दादा, आ चुके हैं हमें उजाला रोशनी देने के लिए। तो भाई लोग, अभी भी एक काम अपना बाकी है, जो कि है मम्मी के साथ प्रैंक करना। ओ गाइस, मम्मी पापा खेत में है और मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ। हाथ में खुरपा और दतारी पोट बांधने के लगे हुए। प्रैंक का टाइम आ चुका है। चलो चलो साइड साइड चलो। एक काम और कर आयो, 320 रुपये दिया है जिम वाला ने। क्यों दिया है? मैं को जिम करना आया करूँ। तू तो यही काम करा भाई। अल 300 रुपया कर जमा, 1000 रुपये मांगे मैंने। खान लो बैठी हूँ, घर काम रहे, यही में तेरी सर्विस बैठती रहेगी। जिम को अलग फायदा रहे वे। जिम को अलग रहे, तू तो यही काम करा। तू तो सारी हाँ कमाओ ना धमाओ ना, खा दिन खोपड़ी खाओ मारे। तो गाइस, आपने देखा मम्मी कैसे मुझ पे भड़क रही है। ये पूरे पैसे लेके आया हूँ, ये लो। तो मम्मी लठवट लेके तो मारती नहीं मेरे को। तो लठलुट लेके ना मारे, इतने सारे दिन हार्ड दुख है। बात भी सही है, हम खारा हो रहे हैं, बैठे बैठे अभी जेंट करो, जेंट क्या। सारो तो काम करवा लियो, सारा गेहूं कटवा लिया, पूरे दोपहर तक काम करवा लियो, गेहूं कटवा लिया, सिरसू कटवा ली भाई, 1.5 बीघा का गेहूं और 5 बीघा सिरसू है ना, और वही की तूड़ी यार, यो दताली रही, और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कितनी पोट बांध दी, लड़का करके सारा काम 4 बजे उठे, करी 6 बजे उठ के बस वो भिंडी देखा। भिंडी देख, भिंडी देखा ना, कोई सहज की बात? आपने देखा कैसे कैसे ग्राहक आते हैं है माई, हड़का काम थोड़ी है भिंडी बेचना भी। तो हमारा प्रैंक हुआ सक्सेसफुल। तो गाइज, अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और अभी अपने को ये डालना है।